नमस्ते। इंडिया और कनाडा से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल indiantimesdaily.com पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान द्वारा संचालित दो संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया और RBI का कहना है कि उसे नहीं मालूम कि नोटबंदी से कितनी ब्लैक मनी वापस आई है। कनाडा में नाफ्टा में क्लाइमेट चेंज एक्शन को शामिल करने की कोशिश घरेलू विवाद में बदल गई और पार्लियामेंट्री सेशन से पहले छोटे कारोबारी ऑटम टैक्स पर सरकार से टक्कर लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम भारत और कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आवाज इंडियन म्यूजिक लैब आर्टिस्ट ऑफ द मंथ पावर्ड बाय पतंजलि केशकांति सिर्फ सोनी मिक्स और सोनी रॉक्स HD पर। इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। पहली बार ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद को उन संगठनों में शामिल किया है जो इस्लामी राज्यों के साथ मिलकर हिंसा फैला रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान की ये बड़ी जीत है। RBI का कहना है कि उसे नहीं मालूम कि पुराने नोटों पर बैन लगाने के बाद करेंसी एक्सचेंज के जरिए कितना धन वैध करवाया गया और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि नोटबंदी का काले धन पर क्या प्रभाव हुआ। पिछले हफ्ते RBI ने कहा था कि बैंकों के जरिए लगभग 15.28 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार के एक दिन बाद सोमवार को नए और पुराने मंत्रियों ने अपनी अपनी नई जिम्मेदारियों का पद संभाला। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी प्राथमिकताओं की घोषणा भी की। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई गोलीबारी में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 उग्रवादी मारे गए जिसमें इस संगठन का एक छोटा कमांडर शामिल है। ये आतंकवादी कई राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे। JDU के अध्यक्ष और बिहार के CM नीतीश कुमार ने उस दावे का खंडन किया है कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल में उन्हें नजरअंदाज किया गया था। RJD प्रमुख लालू प्रसाद ने एक दिन पहले कहा था कि जो लोग अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं उन्हें दूसरे भी स्वीकार नहीं करते। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे का जवाब देने में देरी करने के कारण CM अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केजरीवाल के पूर्व वकील राम जेठमलानी ने मई की सुनवाई के दौरान जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पिछले 30 दिनों में UP के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 39 शिशुओं की मौत हो गई। इस मामले में फरुखाबाद जिले के मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर तथा चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर उग्रवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड अटैक में CRPF के 5 जवान घायल हो गए। इस इलाके में सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। इंडियन प्रीमियर लीग ने क्रिकेट की दुनिया में खुद को सबसे महंगी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। स्टार इंडिया ने टूर्नामेंट के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया राइट्स 5 साल के लिए 16,347.5 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। 2018-2022 के लिए स्टार इंडिया ने 11,050 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले अपने नजदीकी प्रतियोगी सोनी को बाहर कर दिया। मल्टी स्टारर फिल्म बादशाहो उन फिल्मों में से है जिसके फिल्म का गीत चोर आवेगा जो हर किसी को पसंद आ रहा है में फिल्म की पृष्ठभूमि की झलक मिलती है। देहात का एहसास देने वाले इस गीत को एंथनी रोहित मांजरेकर ने बड़ी कुशलता से रचा है और उभरते गायक शिखर कुमार ने गाया है। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। indiantimesdaily.com में आपका फिर से स्वागत है और कनाडा की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। नए नाफ्टा में क्लाइमेट चेंज एक्शन को शामिल करने की कनाडा की कोशिश घरेलू विवाद में बदल गई है।
कंजर्वेटिव फॉरेन अफेयर्स ने इस कदम की निंदा की है और कहा है कि कनाडा के आर्थिक विकास के सामने एनवायरनमेंट बहुत छोटी चीज है। पार्लियामेंट्री सेशन को सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं, इसलिए छोटे कारोबारी ऑटम टैक्स पर ट्रूडो सरकार से टक्कर लेने वाले हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का कहना है कि लिबरल्स के टैक्स इंसेंटिव्स कनाडा के लिए महत्वपूर्ण छोटे कारोबारों के लिए संकटपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया के न्यू डेमोक्रेट्स पॉलिटिक्स से बड़े पैसे निकालने के अपने मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने के लिए एक योजना को अंजाम देंगे। एनडीपी ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि वे बीसी के पॉलिटिकल डोनेशन सिस्टम को रोक देंगे, पर उन्होंने इसके लिए कभी कुछ किया नहीं है। यूनियन मूवमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी महत्वपूर्ण उन्नति की है, जिसमें कनाडा पेंशन प्लान में बदलाव लाना भी शामिल है। बढ़ती हुई ऑटोमेशन और लगातार चलते ट्रेड डिस्प्यूट्स के बावजूद भी लेबर मूवमेंट्स के लीडर्स का कहना है कि इस बार का लेबर डे 10 साल पहले के लेबर डे से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। नए एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए नाफ्टा के नेगोशिएटर्स को हर बड़े मुद्दे पर रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा है कि जब एक देश किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को प्राथमिकता देता है तो दूसरा देश किसी तरह से उस पर बहस छेड़ देता है और आखिर में उस पर कोई फैसला नहीं हो पाता और बैठक अधर में लटक जाती है। टोरंटो की एकॉन ग्रुप इंक अपने आप को बेचने के प्रोसेस करने के बाद अब खरीदारों को ढूंढ रही है। वह यूरोप, यूएस और चाइना के लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस कंपनी को अच्छे से चला सकें, जिनके पास फिलहाल सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स टोरंटो ट्रांजिट और न्यूक्लियर रिफर्बिशमेंट के हैं। यूनिफॉर्म ने कहा है कि लॉस मिनरस यूनियन के प्रेसिडेंट, जो कि फिलहाल कनाडा के एग्जाइल में रह रहे हैं क्योंकि उन पर 2006 में फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, को सुरक्षित वापस भेजा गया है। मैक्सिकन वर्कर्स के राइट्स की लड़ाई में लॉस मिनरस सबसे आगे थे। कॉन्डो हेवी नेवरहुड्स वाले टोरंटो पब्लिक स्कूल को भारी जनसंख्या का दबाव समझ आने लगा है। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड कुछ नेबरहुड्स के नए घर के खरीदारों को आगाह कर रहे हैं कि सारे बच्चों को उनके होम स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। क्वेबेक सिटी में 2 अक्टूबर को होने वाले बाई इलेक्शन प्रोविंस की 15वीं बाई इलेक्शन होगी, जिसकी शुरुआत फिलिप कोयार्ड के लिबरल्स ने अप्रैल 2014 में मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाकर की थी। इसमें $8 मिलियन का खर्चा होगा, जिसमें ट्रांजिशन अलाउंस, जो कि कुछ जाते हुए पॉलिटिशियंस को दिया जाता है, वह शामिल नहीं है। हैलिफैक्स डाउनटाउन के पास के 2 पब्लिक बीचेस कल असाधारण तरीके से शांत थे, जबकि 10 साल पहले शहर ने अपने पॉल्यूटेड हार्बर को साफ करने के लिए $333 मिलियन खर्च किए थे। शहर ने निर्णय लिया था कि वह इन बीचेस पर लाइफ गार्ड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ स्विमर्स के लिए लाइफ गार्ड लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी कैनेडियन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे। Get the mortgage that's best for you from Abdul Kaiser, Principal Broker of Ingenious Mortgages. We offer first and second mortgages and refinancing. We deal with multiple lenders. We also conduct the REMIC course and exam to become a mortgage agent in just 1 week at our location. Call us at 416-887-9196 or log on to www.ingeniousmortgages.ca. Have you ever imagined a man getting pregnant? Well, you don't have to imagine it anymore. Cause check out Akshay Kumar, who just got pregnant and delivered not twins, not triplets, but sextuplets. What you just heard is halfway true. Yes, he is pregnant, but here's a catch. After hosting television series like Khatron Ke Khiladi and MasterChef India, Akshay is set to appear again on small screen as a judge for a comedy show. Kumar shared a teaser video of the same show on his Twitter account, where he is shown as a pregnant man. Watch the video captioned as "Dunya soch rahi hai ye ajuba kaise hua? Apna hero pet se hai." Besides, on film front, Kumar was last seen in the hit quirky film Toileted Prem Katha. He has films like 2.0, Padman, and Gold in his kitty. Welcome to the Field Fresh Supermarket. One-stop shop for fresh vegetables, fruits, bakery products, Indian and Chinese grocery, and much more. Visit us today at 5661 Steeles Avenue East in Scarborough, major intersection Steeles and Middlefield. Check out our weekly flyers. Field Fresh Supermarket, always fresh. Bachao, that features the badasses of the film Ajay Devgan, Imran Hashmi, Vidya Jamwal, Ileana D'Cruz and Aisha Gupta,
is continuing to receive love from the audiences, and here's Imran Hashmi, who is overwhelmed to see such response. During the special screening of a film, Hashmi said, "You know, it's always nice when you work on a film for almost a year, and for the director and the writers, 2 years. Getting this kind of appreciation, the target audience, everyone is loving it. And these collections in these times, in the lull period in our industry, is no easy feat. So Friday was a relief when it opened up to big numbers. Saturday it's picked up. Today, hopefully, there'll be bigger numbers. So I'm just happy that everyone is being appreciated for their work in the film and our hard work has paid off. So, yeah, it's a relief." Badshah, who is set during the 1975 emergency period, is a multi-star film. It features these badasses who try to steal gold in transit, for which they have only 96 hours. But will they be able to do so? Badshah, released on September 1st, 2017.